हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 5 कम्युनिकेशन स्टाइल्स असर्टिवनेस क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। तो एक ऐसा स्टाइल जिसे हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस स्टाइल में इंक्लूडेड होंगे वर्बल स्किल्स एंड नॉन वर्बल स्किल्स। मींस आपको दोनों ही तरह की स्किल आनी चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ताकि आप एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर पाएं। अगर आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन एकदम करेक्ट होगा तो उससे आपका कम्युनिकेशन, आपका मैसेज ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एंड जो आप कहना चाहते हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करने गए एंड आपका मूड तो अच्छा था, बट उससे बात करने के बाद आपका मूड ख़राब हो जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले से बात करने गए जिस टाइम आपका मूड बहुत ख़राब था, बट उससे बात करने के बाद आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि वो है सामने वाले के कम्युनिकेशन स्टाइल का अफेक्ट। मीन्स अगर सामने वाले के कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है, तो उसका आप पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर सामने वाले का कम्युनिकेशन स्टाइल नेगेटिव है, वो प्रॉपरली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से जीतना है। मीन्स वो एक किसी भी डिस्कशन को एक जंग की तरह लड़ते हैं। मीन्स वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो करेक्ट हैं एंड बाकी सब गलत हैं। मीन्स वो दूसरों का पॉइंट सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं एंड दूसरों को इंसल्ट करते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं और सुनते ही नहीं हैं दूसरों की। तो इससे होता क्या है, जो सामने वाला इंसान होता है उसको लगता है कि पता नहीं ये कैसा इंसान है एंड वो उससे बात ही नहीं करते हैं फिर। तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, मींस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। देन नेक्स्ट टाइप इज पैसिव और सबमिसिव। तो इस टाइप के लोग हमेशा कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। मीन्स वो नहीं चाहते कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, बट इसके लिए वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह भी नहीं करते। मीन्स भले ही सामने वाला उनको कितना भी बेइज्जत करके चला जाए, बट वो उसे एक शब्द भी नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें लड़ाई नहीं करनी है। पर वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इसने मेरी कितनी डिसरिस्पेक्ट की है, तो मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, वो अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं एंड उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मींस वो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इमेज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वो बस ये सोचते हैं मुझे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, भले ही उसके लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाए। सो ऐसे लोगों का क्या एग्जाम्पल है, कुछ लोग जो बिल्कुल चुप रहते हैं, ना ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सामने वाला गलत बोल रहा है तो गलत ही सुन लेंगे। मींस अगर वो उनको उनके बारे में भी गलत बोल रहा है तब भी वो उसको सुन लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड कुछ भी नहीं कहते। एंड कभी कभी तो इवन वो ये तक केस होता है कि सामने वाले की गलती है और वो लोग खुद सॉरी बोल रहे हैं। मीन्स जिसकी गलती नहीं है वो सॉरी बोल रहा है उसको जिसकी गलती है, ताकि लड़ाई ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर एक फीलिंग रह जाती है, आप हर्ट होते हैं, बट आप क्योंकि कहना ही नहीं चाहते हैं कुछ, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं एंड सिर्फ इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है। देन नेक्स्ट टाइप इज पैसिव एग्रेसिव। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मीन्स अगर इन्हें कोई भी काम दिया जाए, कोई भी जॉब रोल, कोई भी चीज़ इन्हें असाइन की जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हमेशा चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहें। इस वजह से ये खुद को भी हर्ट करते हैं एंड दूसरों को भी हर्ट करते हैं एंड इनडायरेक्ट वे से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। भले ही उस गुस्से की कोई वजह नहीं है, बट बिना बात के उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो वो उसे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करके खुद को भी दुखी करते हैं एंड दूसरों को भी दुखी करते हैं।
ये क्या करते हैं, दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे गलत बोलते हैं। मीन्स जब कोई आपकी प्रेजेंस में नहीं है तो आपको उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको सही में उससे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके मुंह पर कहिए कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, बट आप उसके पीछे बोल रहे हैं, जब वो एब्सेंट हैं तब बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है एंड ये लोग वही करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, आप इतना पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप उस कम्युनिकेशन से चाहते थे एंड फिर आप सभी के बारे में बैड फील करने लग जाएंगे अगर आपका ऐसा बिहेवियर ऐसा कम्युनिकेशन स्टाइल रहता है तब। देन नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्टाइल इज असर्टिव। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं और अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। मींस ना ही ये दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करेंगे और ना ही अपनी डिसरिस्पेक्ट होने देंगे। एंड ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये सामने वाले को प्रॉपरली सुनते भी हैं और जब वो कंप्लीट कर ले तो प्रॉपरली उसे अपनी बात समझाते हैं बिना इस तरह से कहे कि उसे बुरा लगे। वो ऐसा कुछ कोई पॉइंट नहीं बोलते जो उसे बुरा लगे, वो प्रॉपर्ली अपनी बात को समझाते हैं, दूसरे की भी समझते हैं और खुद की भी समझाते हैं। एंड अगर सपोज़ वो किसी की बात से एग्री नहीं करते तो वो उन्हें नो कहना भी जानते हैं पर बिना उन्हें हर्ट किए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने सीधा उसको बोल दिया कि नहीं, बट वो उसको हर्ट किया तो वो इस तरह से उसको मना करते हैं असर्टिव लोग जो उसको हर्ट ना करे। देन इसका क्या रिज़ल्ट होता है, इसका रिज़ल्ट होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप सामने वाले की भी बात प्रॉपर्ली सुनेंगे एंड आप अपनी भी बात प्रॉपर्ली समझाएंगे, ना ही आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना ही किसी से अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हैं, तो इस केस में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी एंड आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। हमने 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स पढ़े, एग्रेसिव, सबमिसिव, पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव। तो पहले 3 कम्युनिकेशन स्टाइल हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं एप्रोप्रिएट नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पीकर को या लिसनर को हर्ट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी कम्युनिकेशन स्टाइल रिकमेंडेड नहीं है। बट यस, असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है एक हेल्दियर कम्युनिकेशन के लिए। बिकॉज अगर आप असर्टिव हैं तो उसमें ना ही आप हर्ट होते हैं ना ही सामने वाला हर्ट होता है एंड आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। ओके, असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। जब आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मींस आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है और ना ही खुद की डिसरिस्पेक्ट करनी है। आपको अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है एंड दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। आपको अपने ओपिनियन, अपने विशेस प्रॉपरली कम्युनिकेट करने चाहिए एंड साथ ही दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना चाहिए एंड समझना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको एक बैलेंस फाइंड करना है अपनी समझ में और दूसरे की समझ में। मींस ऐसा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं और सामने वाले का भी समझ रहे हैं, तो आपको दोनों की ही बातों को प्रॉपर्ली समझना है एंड दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। ना ही उसकी बात को ज़्यादा वेटेज देना है और ना ही अपनी बात को ज़्यादा वेटेज देना है। आपको दोनों की बातों को प्रॉपर्ली समझना है एंड एक बैलेंस बनाना है ताकि जो मैसेज एक्चुअल में कन्वे होना है वो कन्वे हो पाए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल असर्टिव है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एनहेंस होती है एंड आप ऐसा कुछ भी नहीं कहते या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, आपको जिसका बाद में पछतावा हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी एग्रेसिव बिहेवियर में किसी को कुछ कह दें या फिर कोई काम कर दें, तो उसकी वजह से कभी कभी आप बाद में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया या फिर ऐसा क्यों बोला। बट अगर आप असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल रखेंगे तो आप कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कुछ गलत करेंगे नहीं, जिस वजह से आपको रिग्रेट नहीं होगा। एंड इसलिए आप खुद भी पॉजिटिव फील करेंगे एंड आपसे बात करके सामने वाला भी पॉजिटिव फील करेगा। सो ये इंश्योर करता है कि सभी लोग अपनी बात कह पाएँ एंड एक दूसरे की बात समझ पाएँ। तो असर्टिव कम्युनिकेशन आपकी हेल्प करता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वर्कर बनने में एंड एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में, जो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को प्रॉपरली कन्वे कर पाता है। नाउ लेट अस स्टडी द 7 एक्शंस फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स अगर आपको कम्युनिकेशन स्टाइल को असर्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको ये 7 एक्शंस प्रैक्टिस करने होंगे। मीन्स इन 7 एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सबसे पहला है बी कॉन्फिडेंट। मीन्स आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ओवर कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कॉन्फिडेंट की। मीन्स आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप नर्वस मत फील करिए। बिल्कुल अटेंशन से आप सभी के सामने जाइए एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करिए। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं एंड किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको स्लोली, मतलब इतना भी ज़्यादा स्लोली नहीं, बट हाँ एक मॉडरेट स्पीड पर बोलना है एंड एकदम क्लियर बोलना है, सो दैट वो सभी को प्रॉपरली समझ में आ पाए। देन ड्रेस करेक्टली। आपको हमेशा अपना ड्रेस कोड प्लेस एंड ओकेजन के हिसाब से ही रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो भले ही आपकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, बट आपको वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, बिकॉज वो स्कूल है, एक फॉर्मल प्लेस है एंड वहाँ पर जो ड्रेस कोड है दैट इज़ योर स्कूल यूनिफॉर्म, आपको वही प्रेफर करनी चाहिए। तो आपको ओकेजन एंड प्लेस के हिसाब से अपनी ड्रेस चूज़ करनी है। देन बी ऑनेस्ट। मीन्स ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। आपको कुछ भी कम्युनिकेशन में बोलना है वो हमेशा सच बोलना है एंड जो भी फैक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं बोलने के लिए वो आपको पहले से वेरीफाई करने हैं कि वो सच हैं एंड आपको अपनी तरफ से भी सच ही बोलना है, बिकॉज अगर आप कम्युनिकेशन में सच बोलेंगे तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड सामने वाला अपनी बात आपसे खुल के कह सकता है। देन डोंट बी एग्रेसिव। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात बताने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या फिर बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं एंड एग्रेसिव एंड असर्टिव ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है एंड ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको असर्टिव होना है। असर्टिव का मतलब आप सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करें एंड आप अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें। ओके, देन स्पीक अप। मीन्स आपको अपने थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू सभी चीज़ें खुलकर बोलनी है एंड ये नहीं सोचना है कि सामने वाले क्या सोचेंगे। मतलब अगर सपोज करिए आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं एंड वो स्पीच एक ऐसे सोशल टॉपिक पर है जो सोशल टॉपिक लोगों के बीच सही होता है, बट अगर एथिकल मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत गलत चीज़ है एंड आप उसी गलत चीज़ के लिए अपोज कर रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से गलत है। तो आप उसके बारे में अपोज में बोल सकते हैं एंड आपको खुलकर बोलना है, खुलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। देन लर्न टू से नो। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको करने को कहा गया है या फिर आपसे बोलने को कहा गया है और वो गलत है, तो आप सामने वाले को नो कहना सीखें। नो कहना सीखें मतलब आप कहेंगे कि मैम नो बोल देंगे और क्या, बट नहीं, इतना सिंपल नहीं होता है। हमें हमेशा सामने वाले को इस तरह से मना करना चाहिए कि उसे बुरा भी ना लगे एंड वो ये भी समझ जाए कि हमने उसे किस लिए मना किया है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि नो बोलना बुरी बात होती है, बट कई बार वो सामने वाले को हर्ट कर देती है। इसलिए आपको बहुत प्रॉपरली एक तरीके से नो बोलना होता है, एंड वो क्या तरीका है वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द बैक एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 26। यहाँ पर सबसे पहले MCQs गिवन है। सो क्वेश्चन वन में हमें बताया गया है कि आप एक क्यू में खड़े हैं, मीन्स एक लाइन में खड़े हैं ताकि आप मूवी का टिकट ले सकें, एंड बहुत देर हो गई है। सो तभी एक आदमी आता है और आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, मीन्स वहाँ पर उसकी टर्न थी नहीं, बट वो इमीजिएटली सडनली आ जाता है एंड वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? ऑफकोर्सली इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको सोचना है फ्रॉम असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। आपको एक असर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना है अपने माइंड में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसको इन्फॉर्म करेंगे पोलाइटली कि देखिए ये एक लाइन है एंड यहाँ पर सभी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, तो आप भी पीछे जाइए और आप भी अपनी टर्न का वेट करिए, यहाँ पर मेरी टर्न है। सो आप पोलाइटली इन्फॉर्म करेंगे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन टू, यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपके एक अच्छे दोस्त के बेस्ट फ्रेंड का टेरेबल एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से आपका एक अच्छा दोस्त जो है वो उदास है। तो आप जो हैं पूरे दिन के हारे थके हैं, एंड जब फ़ोन रिंग करता है और आप देखते हैं कि आपके दोस्त का फ़ोन है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको, मतलब अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको क्या चूज़ करना है? असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। तो देखिए, इसको आंसर करने से पहले आपको वही बात ध्यान रखनी है जो अभी हमने पढ़ी थी। आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है एंड साथ ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना है। मींस ऐसा नहीं है कि अगर आप थके हुए हैं तो आप अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें एंड आप उसकी कॉल उठाकर उससे तब तक बात करते रहें जब तक सामने वाला चाहता है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद भी थके हुए हैं, तो आपको खुद पर भी ध्यान देना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उनकी कॉल उठाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, जब उन्हें थोड़ा ठीक महसूस होगा तब आप बोलेंगे कि ठीक है चलिए अब हम कल बात करते हैं, एंड फिर आप कॉल रख देंगे। सो इस तरह से आपने उनकी बात भी सुनी एंड आपने अपनी भी बात बताई, एंड ये एक असर्टिव कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी। देन क्वेश्चन थ्री, आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि आप उसके साथ बास्केटबॉल खेलने चलिए, एंड बट आपका यहाँ पर होमवर्क फिनिश नहीं हुआ है जो आपको कल ही सबमिट करना है। तो ऐसे में आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि अगर आप नहीं आए तो वो नहीं जीतेगा और इसमें आपकी गलती होगी। वो आपसे इंसिस्ट कर रहा है और साथ ही दूसरे लोगों को भी कन्विंस करता है कि वो आपसे बोले कि आप मैच में चलें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे या फिर अपने दोस्त के साथ जाएंगे या फिर कुछ और ऑप्शन ट्राई करेंगे? तो यहाँ पर अगेन आपको क्या ध्यान रखना है? असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। अब देखिए, यहाँ पर ऑफकोर्सली सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बात है या फिर नहीं, बट यहाँ पर जो बात है वो है आपके इम्पॉर्टेंट वर्क की, मींस आपकी प्रायोरिटी की। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, बास्केटबॉल मैच या फिर होमवर्क। तो ऑफ कोर्सली आपके लिए होमवर्क इम्पॉर्टेंट होना चाहिए बिकॉज़ उसकी एक डेडलाइन है, एंड अगर आपने वो सबमिट नहीं किया तो आपके टीचर आप पर गुस्सा भी करेंगे। हो सकता है उसकी वजह से आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो भी डिडक्ट हों, तो इस वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट उधर जाएगा। एंड ऑफ कोर्सली आपको अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश करना चाहिए, तो इसलिए आप अपने होमवर्क को प्रायोरिटी देंगे। बट क्योंकि आपका फ्रेंड है वो आपसे इतना इंसिस्ट कर रहा है, तो आप उसको ऐसे ही झूठ नहीं बोलेंगे, आप उसको प्रॉपरली समझाएंगे कि देख भाई मेरा होमवर्क अभी पेंडिंग है, मुझे वो कंप्लीट करना होगा क्योंकि मुझे वो कल ही सबमिट करना है। तो आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, उसे कन्विंस करेंगे एंड खेलने नहीं जाएंगे, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट होगा? दैट इज डी ऑप्शन। ओके,
नाउ प्रोसीडिंग टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स देने हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स के, जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स जनरली यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। तो अभी हमने क्योंकि असर्टिव कम्युनिकेशन प्रॉपरली डिस्कस किया है एंड आपको पता चला है कि असर्टिव कम्युनिकेशन से हम इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, तो आपको वो सभी पॉइंट्स ध्यान में रखकर यहाँ पर एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एंड इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट येस जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस, 7 एक्शंस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियो के अपलोड होते ही आप सभी लोग कमेंट करेंगे, मैम प्लीज़ अपलोड द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा एंड मैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ओके सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।